MDI स्कूल YouTube चैनल पर बच्चों आप लोगों का स्वागत है। चलिए, जैसा कि हमने आपको क्लास जो 6 में हम आपको गणित पढ़ा रहे थे प्राकृतिक संख्याएं पहला ही चैप्टर शुरुआत किए थे और पूरा चैप्टर हमने आपको समझाया था कि क्या क्या पढ़ना है पूरा पाठ्यक्रम, और हमने ये भी बताया था कि पूर्ण संख्या क्या है और प्राकृतिक संख्या क्या है। आज हम अब आपका अभ्यास शुरू कर रहे हैं जो आपको प्रश्नावली में दिया गया है। तो आपके पास किताब हो या ना हो, आप बीच बीच में हम हट जाएंगे, मोबाइल रोक रोक कर आप पूरा क्वेश्चन उतार दीजिएगा। किताब ना होने के कारण आप लोगों के पास मुझे सारा प्रश्न उतारना पड़ा, इसके आंसर भी हम बताते हुए चल रहे हैं। तो आप अभ्यास एक आपका है। पहले इसके बारे में हमने कुछ बताया था कि पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है। तो अब आपका अभ्यास जो पहला है उसमें पहला प्रश्न है कि निम्नांकित संख्याओं को अंकों में लिखना है। बहुत छोटे लेवल से शुरू हुआ है, अंकों में लिखना है। कैसे? जैसे अगर हम मान लीजिए कि लिख दें, हिंदी में अगर लिख दिया जाता है 10, अभी शब्दों में लिखा है, शब्दों में 10 लिखा है, अगर मुझे इसे अंकों में लिखना होता तो हम लिखते कितना? 10। इस प्रकार इसी को कहते हैं शब्द और अंक। तो यहां पर हमें शब्दों में दिया है और मुझे अंकों में लिखना है कि जो भी संख्याएं दी गई हैं इनको हमें अंकों में दर्ज करना है। कैसे? देखो, पहला सवाल है, दिया है 427। आप पहला नंबर, इसको जानने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। कैसे? आप समझिए, जैसे मैंने लिख दिया है 123 है, तो जो यहां पहले नंबर की संख्या होती है इसको हम लोग इकाई कहते हैं, इकाई, और जो दूसरे नंबर की संख्या होती है उसको हम लोग दहाई कहते हैं, और अगर हम तीसरे नंबर पे जाएंगे तो सैकड़ा कहेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर तीन संख्याएं हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा से मिलकर बनेगा, लेकिन अगर कोई एक संख्या और आगे है या बाद में, तो अब ये कैसे बनेगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। चार संख्याएं होंगी तो हजारवां भाग गिनकर कहा जाएगा। शायद अगर ऐसे और संख्या बढ़ती जाए तो हम 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे गिनती गिनेंगे। तो सबसे पहले अब यहां क्या दिया है वो समझते हैं। तो पहला सवाल आपको दिया है 427। याद रहे, हम इकाई की तरफ से लिखना शुरू करते हैं, तो 27 को 27 ही लिख देंगे। इसका आंसर क्या होगा वो देखिए, 27 को ही हम 27 लिख देंगे क्योंकि इधर 27 है तो यहां है 27, 427 है तो हमने 27 यहां ऐसे लिख दिया। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, अगर मैंने 27 लिख दिया तो 27 ही नहीं लिख दिया, मैंने इकाई और दहाई भी लिख दिया। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको पहले ही बताया कि जब दो संख्या होंगी तो इकाई दहाई से मिलकर बनती है, तीन संख्या होंगी तो इकाई दहाई सैकड़ा से मिलकर बनेगी, और चार संख्या होंगी तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार से। अब प्रश्न में आपको 100 आगे कह रहा, 100, जब कहीं 100 आ जाए, हजार आ जाए, 100 आ जाए, हजार आ जाए, ऐसे शब्द आ जाए, तो याद रखना उसके आंसर, अगर 100 आ गया, केवल एक ही शब्द आ रहा, 100 आ रहा है, हजार आ रहा है, 100 आ रहा है, हजार आ रहा है, तो अगर 100 जिसमें आ रहा वो हमेशा संख्या तीन अंकों की होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हमने लिख दिया 125, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, अब 125 तीन से मिलकर बना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा से, तो जब 100 आएगा जिसमें तो उसमें तीन ही अंक का तो निर्माण होगा। तो ऐसे यहाँ 27 है, इकाई दहाई होगा, यानी मुझे सिर्फ एक ही अंक लिखना। क्यों? क्योंकि बीच में 100 आया है, तो 427, तो यहाँ सिर्फ लिख देंगे 4,
हमारा आंसर हो जाएगा 427। कैसे हुआ? अब आप कहोगे 100 नहीं लिखे, केवल आपने 2704 ही लिखा। तो 100 ये बताता है कि जब कभी तीन संख्या लिखी हो तो 100 उसमें छुप जाता। कैसे? अब इसको क्या कहते हैं, 427। और 427 है, 100 आया, तो तीन ही अंक से मिलकर बनेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा। इस पर आइए, अब इसमें हजार है तो जरूर चार अंक मिले होंगे, तो यहां कह रहा है 3501 लिखिएगा, तक नहीं, 3501। अब देखो स्पष्ट है 3501 तो लास्ट में एक है, तो एक तो ऐसे ही लिख देंगे। अब आप कह रहे हो एक क्या है, डायरेक्ट आप 501 लिख दीजिए। चलिए अगर आप कह ही रहे तो हम डायरेक्ट 501 ही लिख दीजिए, हो गया 501। लास्ट वाली लाइन हमने वैसे ही लिख दिया, 501 लिख दिया। अब आगे आप कहेंगे हजार है, और हजार तभी हो सकता है जब चार संख्या से मिलकर बना हो। अभी तो सिर्फ हमने तीन ही लिखा, 100 आता तो तीन अंकों से, हजार आया तो चार अंकों से मिलकर बनना चाहिए। तो हजार चार संख्याओं को दर्शाता है, लास्ट में इधर क्या है, तीन है, तो हमने तीन लिख दिया। अब आप देख लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार क्या हुआ, आप कहेंगे 3501, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तीसरे नंबर प्रश्न पे बात करें तो यहां लिखा है 15, आप वैसे ही 15 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 15 हमने लिख भी दिया। ऐसे प्रश्न उठता है कि आगे 100 है, तो 100 हमको ये बता रहा है ऐसी संख्या लिखो जो तीन अंकों का, अभी तो दो ही अंक हुआ, लास्ट में क्या है एक, तो हमने एक लिख दिया, ये हो गया 115, बदल गया अंक में। लास्ट प्रश्न है 79029 है, 79029, तो लास्ट में 29 है, तो क्यों ना ये हम पहले 29 से ही शुरुआत करें, 29 लिखिए। अब आप कह रहे हो सर हजार का मतलब, तो हजार ये बताता है कि चार संख्याएं हों, लेकिन अब यहाँ पर 79029 है, तो यहाँ पर एक संख्या बढ़ जाएगी, तो यहाँ होगा 0 और 79 को लिखेंगे कितना, 79, ये होगा 79029। तो ये आपके चार महत्वपूर्ण सवाल है। पहला ही सवाल पूछ रहा था निम्नांकित संख्याओं को अंकों में लिखिए, तो अंकों में प्रश्न था 427, 3501, 115 या 79029। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो रोक के आप लिख लीजिएगा, फिर हम आगे और कुछ सवाल अगर है तो वो भी आपको बता दे रहे हैं, वो भी आप ध्यान से समझ लीजिए, या इस टाइप के जो कुछ प्रश्न हैं हम आपको होमवर्क में दे देंगे, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न हम आपको कराते हैं, ये हो गया ना, एक नियम का प्रश्न और जान लेते हैं, एक नियम का प्रश्न और क्या जानेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, 5321, 5321 में प्रत्येक अंक का, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक अंक का, 5321 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक अंक का स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात होगा देखिए, पहले आप ध्यान से समझ लीजिए कैसे निकलता है। पहले मैं दो संख्या लेकर समझाता हूँ, जैसे 25 है और प्रत्येक का निकालना हो, तो याद रहे जो पहली संख्या होता है जो इकाई की होता है उसमें उसी संख्या से एक से गुणा करेंगे, पाँच को एक से गुणा करेंगे पाँच आएगा,
जो दूसरे नंबर पे होता हमेशा उसको 10 से गुणा कराते हैं, तो 2 × 10 = 20। अगर मान लीजिए यहाँ 125 होता जो तीसरे नंबर पे होता, उसको हम 100 से गुणा कराते हैं, यानी 100 गुणा। अगर यही 4 होता चौथे अंक पर होता, इसको मैं 4 को 1000 से गुणा कराता तो 4000 आ जाता। इस प्रकार स्थानीय मान निकलता है, पर पहली संख्या पर तो 1 से, दूसरी पर 10 से, तीसरी पर 100 से और चौथे पर 1000 से गुणा कराते। ऐसे ही आगे हम बढ़ते हुए चले जाते हैं। अब इस वाले प्रश्न को लगाते हैं कि 5, 3, 2, 1 में प्रत्येक का स्थानीय मान, तो यहाँ आंसर में लिखेंगे 5, 3, 2, 1। अगर मैं 1 का स्थानीय मान ज्ञात करना हो तो 1 को 1 से गुणा कराऊंगा 1 ही आएगा, और जब मैं 2 को 10 से गुणा कराऊंगा तो 20 आएगा। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे शून्य बढ़ता चला जाएगा। 3 को मैं अगर 100 से कराऊंगा तो 300 आएगा, और अगर मैं 5 को कराऊंगा 1000 से तो 5000 आ जाएगा। अब ये क्या है, ये 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान, और ये हो जाएगा 2 का स्थानीय मान। इसी प्रकार ये 3 का हो जाएगा, इसी प्रकार ये 5 का स्थानीय मान हो जाएगा। ये स्थान मान निकालने के तरीके थे कि अगर पूछे, अब यहाँ प्रत्येक का पूछ रहा था, सारी संख्याओं का पूछ रहा था। अगर मुझसे सिर्फ पूछता केवल 2 ही का ज्ञात कीजिए, तो मैं देखता कि किस नंबर पर 2 है, तो गिनता पता चलता पहला और दूसरे नंबर पर, उसको मैं 10 से गुणा करा देता। यानी जैसे जैसे अंक इधर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही इसके मान निकलेंगे। ठीक, एक प्रश्न हम आपको दे दे रहे हैं, आप घर पे लगाइएगा आराम से। प्रश्न अगला क्या है, अगला प्रश्न हम आपको जैसे दे दिए कि प्रश्न है तीसरा, 1205 का या 1205 में 2 का स्थानीय मान बताइए, 2 का स्थानीय मान बताइए, 2 का स्थानीय मान बताना है। 126 में 1 का स्थानीय मान बताइए, 1 का स्थानीय मान बताइए। तो इस टाइप के ऐसे ही प्रश्न आपको लगाना है, आप लगा लीजिएगा, फिर अगली क्लास में हम आपकी प्रश्नावली का सवाल और आगे बढ़ाएंगे। आप यहाँ तक इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना, आगे फिर हम सवाल को आगे और बढ़ाएंगे। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।